बच्चों आज जो है ये हम लोग एक और वन महोत्सव मना रहे हैं और ये हमने पौधे आज 75 मिलाए थे लेकिन थोड़ा सा गलती से ले आया तो आज हमारे पास 43 प्लांट्स हैं और इन प्लांट्स को वहाँ से यहाँ तक लाने में हमारे पास ये 3 यंग जवान हैं जो कि देश की सुरक्षा के लिए जो है बिल्कुल बेताब हैं और ये एस्पिरेंट्स भी हैं डिफेंस सर्विसेज के लिए। तो सबसे पहले जो है पाठक साहब प्रवीण जी, थोड़ा बच्चों के लिए मैसेज दीजिए और आपको आज कैसा लगा थोड़ा सा? सर के साथ काम करके हमको अच्छा लगा, हमने उनकी मदद की और बस इन्वायरमेंट को हम अच्छा रखना चाहते और बस इतना ही। और ये काम जो है मदद देने आपने अपनी मदद की आपने क्योंकि ये फ्यूचर पर्यावरण को संरक्षित करने में हमारा आज थोड़ा सा ये योगदान हो, एक आहुति हमारी पड़ गई आज। माई सेल्फ मोहित, आजकल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है इसलिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और जो भी कोई पेड़ पौधे लगाए उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, मैं सिर्फ नितिन, आज पता चला कि एनवायरनमेंट के लिए कुछ करके कितना हैप्पीनेस फील होता है। वेरी गुड, क्योंकि आज हम सडनली यहाँ पे वॉक कर रहे थे, एकदम सर ने बोला कि चलो थोड़े से प्लांट्स उठा दो, प्लांट्स उठाने के बाद या रखने के बाद जो एक अंदर से आता है ना कि हाँ, कुछ करा है हमने, वेरी गुड, एनवायरनमेंट के लिए कुछ करा है। एक ग्रीन एनवायरनमेंट जो होता है और जैसे पौधा लगा देंगे तो फिर तो क्या बात है, बल्ले बल्ले, है ना, ऑक्सीजन की और सबसे बड़ी बात है बेटा। कभी आपने ऐसे लिखा होगा पर्यावरण संरक्षण पे या कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट पर ऐसे लिखा होगा, उस ऐसे में या स्लोगन लिखी होंगी, उसमें आपका सिलेक्शन भी हुआ कि स्टेट लेवल पे, जोनल लेवल पे, लेकिन जो आज आपका हुआ एक्चुअल में असली ये रहा होगा, है ना। और कल अगर हम लगाएंगे तो आज शायद कल आप आएंगे पौधा लगाने, है ना, आ सकते हैं, चलिए इन्वाइट कर रहे हैं हम आपको, जब भी आपको मौका लेंगे। एक डेढ़ घंटा लगेगा हमें, तो वेन एवर यू फाइंड टाइम, मुझे पता है आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, बट देती है कुदरत हमको सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे हैं। ये अगर भाव अगर मन में आ जाता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, बल्ले बल्ले। थैंक यू। मेरे बच्चों ये 43 पौधे थे और दो इसमें और ऐड हम कर दिए हैं, तो ये 45 प्लांट्स हैं और अभी 30 प्लांट्स और आएंगे सैपलिंग्स और इनको हम कल लगाएंगे, यानी आज है 3 अगस्त, कल 4 अगस्त को हम फिर एक वन महोत्सव मनाएंगे जो कि हमारा वन महोत्सव पार्ट नंबर 16 होगा। तो आप हर रोज़ हम यहाँ पर मनाते हैं, देखिए अभी भी सर जो है लगे हुए हैं, ये देखिए सामने देख रहे हैं ना, तो ये देख रेख करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए निराई है, गुड़ाई है, उसमें से खरपतवार कहिया देखिए सामने, वो सब हम लोग इसमें लगे रहते हैं। तो आप डेली आप एक पौधा लगाएं, चार लगाएं, पौधे नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम जो लगा हुआ है पौधा उसकी देख रेख कर लें, उसमें उसकी कटाई छटाई है, उसकी जो है उसके आसपास की निराई है, उसमें पानी की आवश्यकता है, आजकल तो पानी की जरूरत नहीं लेकिन गर्मियों में जैसे उसमें पानी आप ज़रूर दें। तो इस तरह से जो है आपका पर्यावरण संरक्षण में ये बहुत ही बड़ा योगदान हो जाता है ना। कहते हैं ना आप उसको छोटा मत करो कि मैंने एक बोतल पानी डाल दिया तो मैं, तो ये तो छोटा सा काम है, छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, यानी कोई भी कंट्रीब्यूशन, कोई भी एक्शन आपका छोटा नहीं होता, धीरे धीरे जो है छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे जो एफर्ट्स होते हैं वो एक बहुत बड़ा जो है वो करता है। कहते हैं ना बूंद बूंद से जो है सागर भर जाता है, है ना। जलबिंदु निपातेन कर्मशः पूर्यते घटः, जलबिंदु निपातेन कर्मशः पूर्यते घटः, सायुर सह एतु सर्विद्यानां धर्मस्य धनस्य च, यानी एक एक बूंद से जो है वो घड़ा भर जाता है। ठीक इसी तरह से आपका ये जो पर्यावरण में आपके जो एक एक छोटे छोटे से एफर्ट्स होंगे उससे जो है, ये देखिए किसी ने ऐसे पेड़ लगाए तो ये पूरा जंगल बना है ना, तो कैसे बनाएगी। तो ये एक एक पेड़ लगा के, एक एक स्टेप लगा करके आज आपके पास ये महासागर हो रहा है किसका, पेड़ों का। तो ठीक इस तरह से आप जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में भी जो है वो धीरे धीरे हर स्टेप पर दिन पढ़े, दिन प्रतिदिन दिन डेली पढ़ें तो बहुत अच्छा ज्ञान हो जाता है। ठीक इस तरह से आप धन जो संचय अगर आप करते हैं, धन का धनार्जन अगर आप करते हैं तो पाइप पाइप करके आप जो है वो कर सकते हैं, एक एक एफर्ट्स करके आपका जो है हो जाता है। तो ये इसीलिए बोला है जलबिंदु निपाते न कर्मशः पूर्यते घटः, तो ये बिल्कुल इसी से सर्विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, धर्मस्य का मतलब यहाँ पर वैल्यूज़ की बात है।
अगर आप भी छोटी छोटी वैल्यूज़ का, जैसे आपने किसी ने आपको हेल्प के लिए बोला, तुरंत आपने कर दिया, तो पर्सनालिटी के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं और उसके हिसाब से फिर आपका क्या है वो करेक्टर बन जाता है, तो वो वैल्यूज़ आपके पर्सनालिटी में एड ऑन हो जाती हैं। देखिए पहले, सबसे पहले घास को हटा करके, अभी देखिए डॉगी भी साथ में आपके आ रहा है, देखो कितना बढ़िया, इसको ऐसे करके साफ करना है। और ये देख बेटा खुरपी दे, और अब आ जाओ बेटा दीपक यहाँ बैठो, अब यहाँ पर आप नहीं कुछ नहीं करेगा, ये लो अब खोदो इसको जरा, ऐसे बनाते हैं देखो, हाँ ये गुड गुड, अब खटो मैं निकालूंगा, मिट्टी में निकालूंगा, आप खोदो ये हाँ सिखाने के लिए है, गुड हाँ, अब ऐसे जब जैसे है ना, जैसे ये ऐसे किया, ये ऐसे करके निकल जाता है, ये समय मिट्टी बहुत गीली है तो बड़े प्यार से निकलता है, ऐसे ये ऐसे करके है, समझ आया, लेफ्ट करो इधर से करो, अभी रुको अभी है, इसको फिर हम पॉलीथीन ऐसे निकालना है, और इसमें बेटा जो नीचे से ना एक जगह फंसा होता है वो मेन स्टिक, तो उसको देखिए देखिए यहाँ पे ये वाला है, तो इसको यहाँ से बांधेगा, जोर जबरदस्ती निकलनी तो उससे फिर टूटता है वो, तो ये इस तरह हम जो है इसको ऐसे लगा देते हैं, रुको अब नीचे गहरा करो, थोड़ा गहरा करो, ये कुछ अब रुको नीचे निकालते हैं, रुको थोड़ा और गहरा कर दो, साइड में जाने जो नीचे करो बस, अब ये रखो ये लो सीधा ऐसे ये, और फिर चारों तरफ से ये मिट्टी हमने निकाली है उसको वापस वहीं डालना है, ये ऐसे करके, और फिर हाँ ये दबाने से, और इसको अगर आप पाँव से दबाएंगे तो ज़्यादा दबेगा है ना, और ये हमारा पौधा लग गया, हाँ और ये पौधा लग गया, अब चलें आगे चलते हैं, ये पन्नी जो है उठा, सिखाया था ना अभी, गुड, ये जगह बनानी है, बड़े आराम से निकलता है, बहुत तेज़ी की ज़रूरत नहीं है, आराम से पकड़, पहले उसको पकड़ो, ग्रिप बनाओ और फिर निकालो, आराम से खड़ता है वो, गुड, ये जगह बन गई ना, और इससे क्या फ़ायदा है कि जब आप वापस देखेंगे तो ये घास अगर निकली होगी तो आपको पौधा दिखेगा यहाँ लगाया था, चलो खोदो बेटा, करो गड्ढा खुरपी, गुड, देखो आज दीपक बहुत ज़्यादा सीख गया भाई, वेरी गुड, एक पीपल का पौधा वो लेके जाएंगे, कौन अभी मेरे साथ जो घूम रहे थे, अच्छा अच्छा उन्होंने उस साइड यादव नहीं हाँ। यादव था हाँ। और जो दोस्त थे उसका अच्छा। नाम भी महेश यादव और एक का नाम है अपना, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, ले जाएंगे ले जाए, चार आप ये लगवा लो, ठीक है, नीम कल लगाएंगे, नीम कल लगा देंगे, कल लगाएंगे हम, बाकी नीम जो है आज पीपल का रहा हमारा मिशन, पीपल और कदम्ब ये दो रहे हैं हमारे, दिलीप कर सकते हो, वहाँ गड्ढा करो तो उसके साथ हेल्प करो, कल दिलीप कल अपना मोबाइल लेके आना है, ठीक शाबाश, अब हाँ, और दीपक जो है पन्नी अभी तरीका बताया था ना, अब इसको नीचे आराम से देख के फिर ढूंढो कि कहाँ पर उसकी टहनी लगी होती है उस पर, और वहाँ से आराम से लेना है उसको, बस बस अब निकल जाएगा वापस, हाँ ऐसे अभी ध्यान से घुमा के देखो, एक जगह फंसा होगा यहाँ पर है, ये यहाँ पर है इस जगह पर, तो इसको इधर से यहाँ से ऐसे बाहर, और यहाँ से निकालोगे बाहर, तो देखो ये और समझ गए, तो इससे निकाला है, तो अगर वैसे खींचते ये भी टूटती, बस हो गया निकल गई वो, अब ये ऐसे करना है, ठीक है, दिलीप और दीपक यानी डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर ने आज इस पूरे स्क्वायर में जो है बिल्कुल पेड़ ही पेड़ बिछा दिए भाई, कमाल है, वेरी गुड, कमेंडेबल जॉब, थैंक यू सर, वेरी गुड, और बेटा कभी भी जो है ना कोई भी कार्य जब होता है, अच्छा कार्य हो उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है, तुरंत हाँ। करना चाहे कोई भी करे, जैसे आपको हमने बोला कि बेटे आओ तो आप फटाफट आ गए, तो ये बहुत अच्छा है, यानी शुभस्य शीघ्रम, ठीक है, और जब भी आप कह रहे थे कि बीच में वो
लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो अशुभस्य काल हरणम, ऐसी जगह पे क्या है, कोई अगर आपको कुछ कह भी देता है तो उस पर रिएक्ट नहीं करना तुरंत, उसको थोड़ा डिले करो, डिले करो, डिले करो, और वो घड़ी जो है वो बुरी घड़ी जो है क्या हो जाएगी, टल जाएगी, और फिर आप सेफ हो जाते हैं। तो किसी से लड़ने भिड़ने की ज़रूरत ही नहीं, कोई ठीक है, कोई कहता है कहने दीजिए, हम अपना काम करें, अपना साइड में निकलें, ठीक है। चलिए आइए ले आओ बेटा सारे। एक यहाँ लगा दो बेटा, यहाँ लगा दो, इसको यहाँ लगा दो, लगाओ यहीं पे। उसी जगह पे वापस लाके देखना तो वहाँ से निकल जाएगा आराम से। ये अब सीख गया बेटा, ये हो गया ना सही, तो कुछ दिक्कत नहीं आई। और ये बच्चा देखिए कैसे सीख गया कि वो पन्नियाँ सब इकट्ठी खेल रहा है, ऐसे नहीं। तो मेरा और लोगों से भी अनुरोध है कि जब आप पौधा लगाते हैं, तो मैंने कई बार देखा पौधा लगा देते हैं लेकिन पन्नी को वहीं छोड़ के चले जाते हैं, तो एक तो काम आपने अच्छा किया लेकिन दूसरा पर्यावरण को नुकसान भी दे दिया उस पन्नी से। तो उसको उठा के ज़रूर ले जाएँ और डस्टबिन में डालें, ताकि उसको यहाँ वो पर्यावरण को ख़राब ना करें। तो पौधा ज़रूर लगाएं लेकिन जो उसकी पन्नी है उसको वापस डस्टबिन में ज़रूर डालें। बच्चे भी और बूढ़े भी सभी इस बात को समझें, जवान भी। और अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, जब चाहें तब वन महोत्सव मनाएं। तो बेटा एक स्लोगन बोलोगे? मैं कहूँगा कि है पुकार पेड़ लगाएं कई हजार, आज समय की है पुकार पेड़ लगाएं कई हजार, कहते हैं वेद पुराण, बोलो पेड़ लगाएं कई हजार, कहते हैं नहीं कहते हैं वेद पुराण, बोलो कहते हैं वेद पुराण, वृक्षारोपण कार्य महान, वृक्षारोपण कार्य महान, कहते हैं वेद पुराण, कहते हैं वेद पुराण, वृक्षारोपण कार्य महान, वृक्षारोपण कार्य महान, एक वृक्ष सौ पुत्र समान, एक वृक्ष सौ पुत्र समान, एक वृक्ष सौ पुत्र समान, एक वृक्ष सौ पुत्र समान। क्यों कहा है एक वृक्ष सौ पुत्र के समान? क्योंकि सौ बेटे भी हो जाए वो इतनी सेवा नहीं कर सकता जितना एक पेड़ कर देता है, क्योंकि एक पेड़ एक पुत्र जो है वो दो लोगों के माता पिता भाई बहनों की कर पाएगा, ज़्यादा कितना कर पाएगा। लेकिन ये जो पेड़ है ये कितने लोगों को तो ऑक्सीजन दे रहा है, कितने लोगों को लकड़ी दे देता है, कितने लोगों को जो है खाने पीने के लिए पक्षी पक्षियों को दे देता है, और कितने साल तक दे देता है। आपने जो आज लगा दिया ये दो तीन साल के बाद, चार साल के बाद ये सेवा देना शुरू कर देगा और निरंतर देता रहेगा, कई सालों तक देगा। इसीलिए एक वृक्ष सौ पुत्र समान बोला गया है। तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है सर, फिर मैं अभी। हाँ जी, वेरी गुड। और ये देखिए पन्निया जो है दीपक, ये बहुत छोटा है अभी, यानी 8th क्लास में है, लेकिन उसको समझ आ गया कि प्रकृति का वो संरक्षण कितना ज़रूरी है, और बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार समझाया और उसी के बाद सारी बात उसके समझ में आ गई। तो यही हमें चाहिए, ऐसे ही बच्चे हैं जो आगे जो है इस पर्यावरण का संरक्षण कर पाएंगे और ज़रूर करेंगे। गुड, और भी पन्नी थी, ये है, ये कह रहा हूँ ना, रखा था, एक यहाँ लगा दो, सब जोड़े रखो, गुड। वो भी ले जा बेटा, वो वाले ना पन्नी जो वहाँ रखी थी आपने, वो भी ले लो। बस आ जाओ बेटा, और सब इसी में भर के, ये पन्नी में भर के, एक पन्नी में भर के, और फिर डस्टबिन में डाल देना। ये बाहर दूसरी पन्नी बड़ी वाली है उसमें डाल दो, उसमें नहीं आएगा, आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये है तो सही वाइट वाली जो पॉलीथीन की थी, ये सोच रही खाने के लिए कुछ लाया है बेचारी। चलो वेरी गुड, उसको दीपक
उसको कर बेटा, उसकी पन्नी भी निकाल दो। ये अब टेक्निक समझ में आ गई ना, उससे बाहर आ गया। ये वेरी गुड, लगा दो। लगा दीपक, तुम भी लगा हाथ, शाबाश। अब मिट्टी डालो। गुड दीपक, दीपक जो है बच्चों के लिए कोई संदेश दो बेटा कि क्या है आज तुम्हें पेड़ लगा के कैसा लगा? अच्छा लगा। कितने पेड़ लगाए अभी आप लोगों ने? अभी तो पता नहीं, गिने नहीं थे हमने। हाँ, लेकिन लगाए थे। हाँ, लगाए हैं और आज 45 है जी। और सारे बच्चे भी लगाए आके यहाँ पे पार्क में। हाँ, जहाँ मिले, जितना मौका मिले वहीं पे लगा दो। हाँ, अपने घर के पास, के पास में चाहे बाहर, हाँ, कहीं पे मौका मिले गुठलियाँ गुठलियाँ चाहे गुठलियाँ चाहे अभी भेजूंगा। गुठलियाँ जैसे जो है ना बेटा, गमले में डाल दें और उनके बाद जब बन जाएं तो उसके बाद फिर लेके लगा दें, है ना। चलो आ जाओ। दीपक साफ कर बेटा, तब तक दिलीप इधर आ बेटा। कैसा लगा आज? आज हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, इस तरफ। हाँ, आज हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। हाँ, पेड़ लगा के, पेड़ लगाने से एक फायदा हमारा है कि पर्यावरण, अभी तक दिल्ली में हमने देखा कि प्रदूषण बहुत फैल रहा है, फैल रहा है। टेम्परेचर इस बार कितना चला गया था यहाँ? टेम्परेचर 50-52 चला गया था इस बार। जी जी, मैं तो यही कहूँगा कि जितना हो सके पेड़ लगाएं। हाँ, और इससे हमारा प्रदूषण मतलब पर्यावरण स्वच्छ रहता है, स्वच्छ रहता है, संरक्षित रहता है ना। और पर्यावरण जो है जरूरी भी है ना, जरूरी भी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।